नमस्ते एंड वेलकम टू दिस सीरीज स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। सभी लोग जो हैं निश्चय से लड़ रहे हैं और हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए या किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज आपको एक मैं लड्डू बना के दिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं ओजस लड्डू। जी हाँ, ओजस जो है आयुर्वेद में वो हम इम्यूनिटी को बोलते हैं, वो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का एक संकेत है। ओजस बढ़ाने के लिए एक सिंपल सी रेसिपी है और मैं बताता हूँ कि इस रेसिपी में हम क्या क्या लेंगे आज। तो ओजस लड्डू बनाने के लिए आज हमारे पास हैं, देखिए ये अखरोट हैं, वॉलनट्स हमारे पास हैं और इसके साथ बादाम आलमंड्स हैं और कुछ कोकोनट पाउडर है हमारे पास, ये देखिए कोकोनट पाउडर है और डेट्स हैं, खजूर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर है और इसमें हम मिलाएंगे शक्कर, जो गुड़ होता है, गुड़ से जो शक्कर बनाते हैं इसको रॉ शुगर भी बोलते हैं, वो हम इसमें मिलाएंगे और देसी घी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं अखरोट, बादाम और कोकोनट, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये हमने बादाम में डाला, सूखा हमें इसको जो है रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है अखरोट, और साथ में ये हमारा कोकोनट पाउडर। आराम से इसको जब तक थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो जाएगा तब तक इसको हम रोस्ट करेंगे धीमी धीमी आंच पर, धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑलरेडी कोकोनट थोड़ा ब्राउनिश हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम ये रोस्ट कर लेते हैं, इसको जलाना नहीं है, ब्राउन करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये हमारा रोस्टेड कोकोनट पाउडर, आलमंड्स और बादाम, इसको हम क्या करेंगे अभी, इसको हम यहाँ पर मिक्सर में डाल रहे हैं और इसको फिर थोड़ा ग्राइंड करना है, इसको पीस पीस ना है इसको, और इसको थोड़ा और मीठा करने के लिए हम इसमें थोड़े डेट्स भी डाल रहे हैं। डेट्स के बीज निकाल लीजिए और ये डेट्स इसमें डाल दिया और इस प्रकार से डेट्स, और फिर इसको बंद करके हम ग्राइंड करेंगे। तो ये हमारे वॉलनट्स, आलमंड्स और कोकोनट पाउडर प्लस जो हमने डेट्स डाले थे एक राउंड, बिल्कुल अभी जो पिस गए हैं, और हम इसको इसमें डालते हैं और फिर ये हमारे पास जो है शक्कर है जिसको हम ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, और गुड़, गुड़ जो है गुड़ का पाउडर ही होता है, अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा डालें, थोड़ा सा हम डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने डेट्स डाले हुए हैं इसमें तो बहुत मीठा होगा ही ऑलरेडी, फिर भी अगर आपको किसी को बहुत मीठा पसंद है तो वो ये थोड़ी सी डालें, और थोड़ा सा जो है सिनामन, जो हमारा दालचीनी का पाउडर, दालचीनी की बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट भी इसमें होता है, थोड़ा सा ये भी हम इसमें स्प्रिंकल करते हैं। और क्योंकि थोड़ा हम उसको बांधना है, लड्डू बनाने हैं इसके, तो इसमें थोड़ा सा देसी घी हम मिलाते हैं, ये देसी घी हमने डाला है इसमें, अपने अनुसार आप डालिए, फिर इसको अच्छी तरह से हम ऐसे मिक्स करते हैं। ये जब मिक्स हो जाएगा तो लड्डू क्या होता है, गोल लड्डू होता है, इसके फिर हम जो है अच्छी तरह से बांध करके, जब आप लड्डू बनाएं तो थोड़ा सा घी अपने हाथ में लगाइए ताकि ज़्यादा चिपके गले। तो इस प्रकार से आपके ओजस लड्डू का ये मामला तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार के लड्डू बने हैं। तो ये है आपके ओजस लड्डू, बहुत बढ़िया, सुंदर और टेस्टी भी है, सिंपली वंडरफुल। ये ओजस लड्डू आप एक सुबह खाएं, एक शाम को गुनगुने दूध के साथ इसको सेवन करेंगे, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आप जो है कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और आजकल हमें इन्फेक्शन से बचना है, जैसा आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में आजकल इन्फेक्शन फैला हुआ है, वायरस फैले हुए हैं, तो ये एक अच्छी रेसिपी है। तो आई वुड लाइक टू से जस्ट कनेक्ट विद आयुर्वेद,
Stay healthy, stay safe. I wish you all the best. Thank you very much. Enjoy the Ojas Laddu. Namaskar.